जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते। पूरे प्रदेश के मुखिया होने के नाते वो जब एक बच्ची को न्याय नहीं दिला सकते तो पूरे प्रदेश को क्या न्याय दिलाएंगे। हरियाणा के पूर्व खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह खेल राज्य मंत्री के पद से तो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अब संदीप सिंह के मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग उठ रही है। जिस महिला कोच ने संदीप सिंह पर आरोप लगाए थे, उसी महिला कोच का परिवार और विपक्ष संदीप सिंह का इस्तीफा चाहता है। हरियाणा विधानसभा के पहले दिन इसे लेकर जमकर हंगामा भी हुआ, लेकिन सीएम मनोहर लाल ने सदन की कार्यवाही के दौरान संदीप सिंह का इस्तीफा लेने से साफ इनकार कर दिया। आरोप लगाना, आरोप साबित होना दो अलग अलग चीजें हैं। आरोप किसी के ऊपर भी लग सकता है, लेकिन जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता उसको दोषी करार नहीं दिया जा सकता। किसी के ऊपर भी आरोप लग सकता है, उसकी इंक्वायरी होती है, एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। इस्तीफा लेंगे क्या, वो देगा कि नहीं देगा, एक ही जवाब, नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे। बड़ी परेशान की बात है, नहीं लेंगे इस्तीफा। जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, तब तक कोई इस्तीफा लेने का मकसद नहीं है। अब जब सदन में संदीप सिंह का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तो पीड़ित महिला कोच के परिजन भी निराश हो गए। पीड़ित महिला कोच के परिजनों ने रोष जताते हुए कुछ सवाल भी खड़े किए हैं और ये कहा है कि अगर सूबे के मुखिया उनकी बिटिया को इंसाफ नहीं दिला सकते तो वे पूरे प्रदेश को इंसाफ कैसे दिलाएंगे। पूरे प्रदेश के मुखिया होने के नाते वो जब एक बच्ची को न्याय नहीं दिला सकते तो पूरे प्रदेश को क्या न्याय दिलाएंगे। तो हमारा तो सीएम साहब की कार्य प्रणाली से संपूर्ण रूप से विश्वास हट चुका है। लगातार आप लोग खाप के द्वारा विरोध भी करते आए हैं, तो अब कुछ नया निर्णय लिया जाएगा? नहीं, ये खापों पे निर्भर करता है और खापों का मैं देखता भी हूँ, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, खापें काफ़ी सख्ती से इस मामले में अपना संज्ञान ले रही हैं। बहुत हार्ड वर्क करके वहाँ तक पहुँची है और वहाँ भी सुरक्षित नहीं है, सरकार से ही खतरा है, तो फिर कहाँ न्याय दिलवाएं, हम कहाँ जाएं? हम और ऊपर जाएंगे, केंद्र सरकार के पास जाएंगे, न्याय तो देना पड़ेगा। इन्होंने अच्छे लोग भी हैं, इनमें सभी नहीं हैं खराब लोग, सभी मंत्री एक जैसे नहीं हैं, बहुत सारे मंत्री हैं जो अच्छे भी हैं। तो क्या उम्मीद है आपको? आपको हाँ उम्मीद है और हमें न्याय मिलेगा और हमें न्याय, जनता हमारे साथ, हमें न्याय दिलवा कर ही रहेगी। महिला कोच के परिजनों की माने तो उनकी बेटी ने बड़ी ही मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, ऐसे में अब अगर उन्हें हरियाणा सरकार इंसाफ नहीं दिलवा पाई तो वे जल्द ही केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं पीड़िता के पिता की माने तो वे खाप और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाएंगे ताकि उनकी बिटिया को न्याय मिल सके। बहरहाल पीड़िता के परिजनों को उम्मीद है कि उनकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। इंसाफ पाने के लिए पीड़ित परिवार राष्ट्रपति से लेकर पीएम तक का दरवाजा खटखटाने को तैयार है। ऐसे में देखना यही होगा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ की मंजिल कब तक मिल पाती है। झज्जर से प्रदीप धनखड़, न्यूज 18 हरियाणा।